आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा 75 दिन तक फ्री में बूस्टर डोज लगाने का अभियान चलाया गया है। इस अभियान में 18 साल की आयु से ऊपर के लोग जिनकी दूसरी वैक्सीनेशन के बाद 6 माह पूरे हो चुके हैं उन्हें प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। किन्नौर में लगभग 60,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रिकॉशन डोज लगनी है, जिसके लिए जिले में 15 जुलाई से लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल रिकोंगपियो में अवकाश के दिन को छोड़कर प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है, जबकि जिले के अन्य स्थानों पर प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए शेड्यूल जारी किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस साल 75वां हमारा आज़ादी का वर्षगांठ मनाया जा रहा है। सरकार इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके उपलक्ष्य पर जो 75 दिन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा जो 18+ से ऊपर की जितनी भी पॉपुलेशन है उनके लिए कोविड वैक्सीनेशन फ्री कर दिया है 75 दिन के लिए। ये दिन है 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक। तो आप सभी से ये अपील है कि जिन जिन लोगों का भी 6 महीने पूरे हो चुके हैं सेकेंड डोज को लेकर, वो अपने अपने वैक्सीनेशन ज़रूर जाके अपना प्रिकॉशन डोज ज़रूर लें नियर बाय सेंटर्स पे। हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में फर्स्ट आने का खिताब हासिल किया था पूरे भारतवर्ष में हम। और हमारे लगभग इस टाइम 60,000 ऐसे लोग हैं जिनको प्रिकॉशन डोज लगनी है। हमने सेशंस ऐसे प्लान किए हैं कि हमारे क्षेत्रीय अस्पताल रिकोंगपियो में हर दिन सेशन होता है, केवल हमारा रविवार और जो हमारी गेजेटेड हॉलीडेज है वहाँ पे हम सेशन नहीं करते, अदरवाइज हमारे रोज सेशन चल रहे हैं। यहाँ पे सारी CHCs में हमारे सेशन चल रहे हैं, हमारे PHCs और सब सेंटर तक लेवल तक जाके सेशन हम कर रहे हैं। इनफैक्ट जहाँ पे सब सेंटर नहीं है जिन गांव में, तो हम हर गांव-गांव में जाके आंगनवाड़ी सेंटर हो, पंचायत घर हो या स्कूल हो, वहाँ पे जाके सब जगह हम सेशन रख रहे हैं। सेशन का शेड्यूल जो है हर शनिवार को हम जारी करते हैं, जिनको हम प्रेस में भी देते हैं, हमारे सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में देते हैं। तो आपको जैसा भी पता चले कि आपके गांव में या आपके एरिया में इस दिन प्रिकॉशन डोज का सेशन लग रहा है, तो आप सब लोग जाके अपना अपना प्रिकॉशन डोज ज़रूर लें, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अचीव करने के लिए कर रहे हैं। आपको ये जानकारी मैं देना चाहूँगी कि कोविड जो बीमारी अब हो रही है, बेशक आजकल माइल्ड फॉर्म में हो रही है, लोगों को लग रहा है कि बहुत सीवियर, जैसे ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे नहीं जा रहे लोग, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बहुत देखे जा रहे हैं। काफ़ी स्टडीज़ हैं ऐसी जो निकल के आई हैं जिसमें देखा गया जिनको कोविड हो रहा है उनको लॉन्ग टर्म कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी कि हार्ट की बीमारियाँ और ये सब होने की कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो आपसे अपील है कि आप इस कोविड बीमारी से पहले ही बच जाएं, प्रिकॉशन डोज लें, ताकि आपको उस स्टेज तक जाना ना पड़े और आप अपने आप को और अपने समाज को, अपने बच्चों को, सब लोगों को कोविड बीमारी से बचाए रखें। तो सबसे अपील है अपना अपना कोविड वैक्सीनेशन का, जब बूस्टर डोज का बारी आए आप जाके अपने नियर बाय हेल्थ सेंटर्स में ज़रूर।